लेकिन वो जो कॉमर्शियल होटिंग्स के लिए एंड में जो डायलॉग्स उन्होंने यूज किए ना तो वो दिखता है कि आपने इंटेंशनली किया हुआ था जो कि वो पिक्चर के के आइडेंटिटी को अलग कर देता है क्योंकि वो नहीं है जो वो होना चाहिए hmm. वो गदर टू वाले कैटेगरी में आप जा रहे हो आई आई वांट टू नो अगर कोई फिगर आउट कर सकता है तो कि उस मूवी का क्लाइमैक्स अगस्त के पहले शूट होते अगस्त के बाद शूट हुआ था <laughs> मेरे को मूवी uh, मतलब मूवी अच्छी लगी बट ना मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब सिद्धार्थ आनंद शुड स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड लाइक like, ऐसा लगता है ना कि मतलब ही गोज टू हार्ड ऑन टू मेनी थिंग्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो डायलॉग्स वाली चीज के साथ मैं एग्री करूंगा

प्लीज़ बोलता है हाँ, तो, तुम हाँ, भी हंस देते हो कि हाँ ठीक हाँ, है भाई हाँ, ले ले क्या चाहिए देखो हाँ, पीछे की ले ले बट वही पठान के साथ भी यही इशू था कि एंड एंड में आके वो चाहते हैं कि हाँ भाई और ऊपर लेके जाना है और ऊपर लेके जाना है विदाउट गिविंग इट प्रॉपर टाइम और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बस प्लस जैसे वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे जो लास्ट वाली सीक्वेंस थी दैट वाज कम्पलीटली अननेसेसरी जो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली सीक्वेंस थी दैट फेल्ट लाइक पठान वो ऑल ओवर अगेन मतलब वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही तोड़ना फोड़ना और exactly वैसा वैसा। जय हिंद वाला डायलॉग फंसा दिया और वो exactly वैसे ही फील हो रहा था एंड मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं थी थिंक वो ओ पी वो, वो, वो वो था मुझको आगे का वो अच्छा लगा कि जब वो कार पे लड़ रहे होते बहुत छोटा हाँ, क्योंकि वो आपको एक आपको एक रिस्क होता है ना कि अरे भाई वो गाड़ी अभी कब ठुकने वाली है अभी ठुकने वाली है है जाने वाली है, फिर उसका पैर फंसा देता है तो वो काफी डिटेल्स हैं उस सीन में जो कि बहुत छोटे हाँ। में ही निकल गया वो आपको ना वो आई थिंक इसके बहुत क्लोज रेमिनेसेंट आप वो जोड़ सकते हो मिशन इम्पोसिबल ट्रेन ट्रेन वाला काफी अच्छा कंपेरिजन नहीं है लेकिन फिर भी कि आपको वो डिटेल्स देते हैं ना सीन में कि भाई ये रिस्क है यहाँ पे तो वो रिस्क वाला था कार वाले में कि, और भाई वो, वो आप वहां अंदर लड़ रहे हो किसी गोडाउन आ, में तो उस क्या है मतलब मूवी टू ह्यूज एक्सटेंट मतलब मैं तो थोड़ा फैन बोइंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे लेकिन मतलब ऋतिक रोशन ने जो डिलीवरी थी ना डायलॉग्स की उस मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन की डिलीवरी ने बहुत हद तक सेव करा क्योंकि वो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा क्लीशेड भी फील हो सकते थे लेकिन जिस तरह से ऋतिक रोशन डिलीवरी करी डायलॉग्स की वो बहुत हद तक सेव भी कर गया जैसे वो आखिरी में जब वो बांधने के बाद बोलता है ना कि अपने आप को शहीद मत समझना आतंकवादी है तो अपने आप को शहीद मत समझना तो वो मतलब काफ़ी क्लीशेड भी फील हो सकता था बट इट हैज़ बिन डिलीवर्ड इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर कि मतलब वो अच्छा फील होता है वहाँ